फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ अंदर की बातें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिसे है इंग्लिश से प्यार वो कैसे कर सकता है ऐसे वर्ड्स से इनकार। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं और आपको टॉप पर जाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम विन और वाइल का इस्तेमाल कंजंक्शन के जैसे करते हैं तो इन दोनों का मीनिंग जबकि होता है, लेकिन जहाँ आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ आप विन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जहाँ वेन लिखा जा सकता है वहाँ वाइल नहीं लिखा जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन इनमें क्या फर्क है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार एग्जांपल्स लिखा हुआ है जिनमें से दो गलत है और दो सही है। आइए देखें कि कौन गलत है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं बताऊं कौन गलत है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जबकि के लिए आप वेन का यूज तब करेंगे जब आपको कहना हो कि कोई एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुई, यानी कोई एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ। लेकिन अगर हम बात वाइल की करें तो आप वाइल का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको कहना हो कि कोई दो काम साथ साथ चलते हैं, यानी पहला काम चल ही रहा था साथ ही साथ दूसरा भी काम चल रहा था। जैसे द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज व्हेन द टीचर केम इन, विद्यार्थी हल्ला करना बंद कर दिए जैसे ही टीचर अंदर आए। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे दो एक्शन है, एक में शोरगुल होने की बात की जा रही है और दूसरे में आने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जैसे ही दूसरा काम शुरू हुआ पहला काम रुक गया या पहला काम खत्म हो गया, यानी ये दोनों काम एक साथ नहीं चल रहे थे। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ, या जब दूसरा शुरू हुआ तो पहला काम खत्म हो गया। तो यहाँ हम वेन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे कहा जाए द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज, बच्चों ने हल्ला करना बंद कर दिया व्हाइल द टीचर केम इन, जब टीचर अंदर आए, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि व्हाइल का मतलब होता है कि ये दोनों काम एक साथ चलेंगे, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। जबकि आपने यहाँ देखा कि यहाँ जैसे ये दूसरा काम शुरू होता है पहला काम बंद हो गया या रुक गया, तो यहाँ पर व्हाइल का इस्तेमाल गलत है। आइए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को देखते हैं। लता डांस्ड व्हाइल हर फ्रेंड सैंग अ डिस्को सॉन्ग, लता नाची जब तक उसका दोस्त डिस्को सॉन्ग गाया। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइल का इस्तेमाल सही है या गलत? मैं आपसे कहूंगा यहाँ व्हाइल का यूज करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन है, एक में डांस करने का और दूसरा में डिस्को सॉन्ग गाने का, और ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, यानी लता नाच भी रही है और उसका दोस्त डिस्को सॉन्ग भी गा रहा है, यानी यह दोनों काम एक साथ चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल किया गया है जो सही है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ लता डांस्ड व्हेन हर फ्रेंड सैंग अ डिस्को सॉन्ग, लता नाची जब तक उसका दोस्त डिस्को सॉन्ग गाया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि व्हेन का यूज तो हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई एक काम रुक गया तब दूसरा काम शुरू हुआ, और यहाँ पर तो दोनों काम लगातार चल रहे हैं, यानी दोनों एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर व्हेन का यूज गलत है, यहाँ पर व्हाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया, व्हेन एंड व्हाइल मींस जबकि, लेकिन हम व्हाइल का इस्तेमाल तब करेंगे जब दो एक्शन साथ साथ चलें। लेकिन अगर दो एक्शन ऐसे हों जहाँ दूसरा शुरू होने पर पहला खत्म हो गया तो वहाँ पर व्हाइल नहीं बल्कि व्हेन का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज स्लीपिंग व्हेन हर मदर वॉज वॉचिंग हर स्लीप, छोटी लड़की सो रही थी जबकि उसकी माँ उसकी नींद को देख रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है और दोनों एक ही एग्जांपल है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या वर्ड आएगा, व्हेन या व्हाइल। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर आपको व्हाइल का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन है, एक छोटी बच्ची सो रही है और उसकी माँ उसकी नींद को देख रही है, और ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम बंद हो गया और वो काम चल रहा है, क्योंकि ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्हाइल का इस्तेमाल होगा। अगर आप व्हेन का यूज करेंगे तो फिर आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि ये सही है या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।